आज का आपका नया चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, फिजिकल और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, वो सबको पता आपको है। हम आज उसमें बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों में, एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स एंड एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे हम जानते हैं कि मेटल्स में सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल जो क्या है हमारा लिक्विड है, वो क्या नाम उसका, मरकरी। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, और लीड और मरकरी जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, पुअर कंडक्टर। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर बट लीड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर। तो दो पॉइंट यहाँ से निकल गए। ठीक है, उसके बाद सभी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सभी मेटल्स क्या है, हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम, ये जो आपको देख रहे हो लिथियम सोडियम और पोटासियम, जिसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, क्या कहते हैं इसको, अल्कली मेटल्स। तो दीज अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल, याद रहेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम जानते हैं कि मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, नहीं मेटालिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड बनाता है, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो हमारा क्या है, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, कौन, एल्यूमिनियम। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, एज वेल एज जो एसिड भी फॉर्म करे और क्या फॉर्म करे, बेसिक भी फॉर्म करे, जिंक ऑक्साइड भी है ना। तो एल्यूमिनियम है और क्या हमारा है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम और जिंक बोथ दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दिस विल फॉर्म एसिडिक एज वेल एज बेसिक। ठीक है, ओके, सबसे मोस्ट मैल्यूबल और डक्टाइल मेटल्स कौन है हमारा, गोल्ड और सिल्वर है। मोस्ट मैल्यूबल और डक्टाइल, समझते हो ना, अपने पढ़ा हुआ चैप्टर में कि गोल्ड को हम लोग अगर उसको हम लोग बीट करते हैं, नहीं उसको हम लोग पतले से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पीट पीट के, मतलब उसमें उसको हम फैला सकते हैं और या खींच के उसको लंबा भी कर सकते हैं। तो खींच के लंबा को हम लोग कहते हैं डक्टाइल, क्या बोलते हैं उसको, डक्टिलिटी। और मैल्यूबिलिटी का मतलब होगा कि पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना। तो अगर एक सेंटीमीटर गोल्ड हो तो उसको हम लोग खींच के दो किलोमीटर तक खींच सकते हैं, कितना किलोमीटर तक, दो किलोमीटर तक। तो इसलिए इसको कहते हैं मोस्ट मैल्यूबल एंड डक्टाइल मेटल्स। तो कौन हमारा है, गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद हमारा है कि बेस्ट कंडक्टर कौन हमारा, सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर है, कॉपर है, नहीं एल्युमिनियम है, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट सिल्वर है। उसके बाद है कि आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सबसे किसका होता है, टंगस्टन का होता है, लेकिन इसी में दो ऐसे मेटल्स है जिसका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कौन हमारा है, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और लीड और मरकरी, जैसे कि हमारा ये पुअर कंडक्टर है तो यहाँ भी लिखा हुआ कि लीड एंड मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये पुअर कंडक्टर भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है और हीट का भी होता है, ये दोनों का ही क्या है, पुअर कंडक्टर, कौन, लीड एंड मरकरी, याद रहेगा। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, पहले हमने को क्या बताया कि सभी मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल क्या है, लिक्विड है, उसका नाम क्या है, मरकरी। आपने मरकरी को देखा होगा जो होता है थर्मामीटर, उसमें जो व्हाइट कलर का देखते हो तो उसे कहते हैं मरकरी। फिर हमने बताया कि सभी मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स लिथियम सोडियम और पोटासियम वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद हमने बताया कि मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक फॉर्म करता है, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक फॉर्म करता है, लेकिन एक ऐसा मेटल है, दो ऐसा मेटल्स हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक फॉर्म करता है, और ऐसे मेटल हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट मेल्टेबल एंड डक्टाइल मेटल्स है वो कौन हमारा, गोल्ड और सिल्वर है, और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन हमारा है, सिल्वर। उसके बाद लीड और मरकरी, ये दोनों क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, टंगस्टन का सबसे मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए क्या करता है, देखते हो ना, वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, और गैलियम और सीजियम का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हमने देखा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर नहीं होते, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है, नॉन मेटल है, जो क्या है, गुड कंडक्टर, वो कौन हमारा है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्यों होता है गुड कंडक्टर, तो हम जानते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, नाउ आपका नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉइल में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो सॉइल में कौन हमारा हो गया, कार्बन। ठीक है, कार्बन डायमंड, ये क्या हमारा सॉइल फॉर्म में है। उसके बाद
गैसेस फॉर्म में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, नाइट्रोजन, ये हमारा क्या हो गया, गैसेस फॉर्म में हो गया। और एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है, ब्रोमीन, याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट हमारा है कि आप जानते हो कि नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होता है, जैसे मेटल सा क्या होता है, हैव शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन नॉन मेटल में कोई भी ऐसा जिसमें चमक नहीं होता, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो कौन है, आयोडीन है, इसमें लस्ट्रस होता है, मतलब इसमें चमक होती है। और मेटल सॉलिड होता है, मेटल्स हार्ड भी होता है, लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है हमारा, तो डायमंड है, इट्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमारा है बोरोन, कार्बन एंड सिलिकॉन, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई होता है, क्या रहेगा, बोरोन कार्बन एंड सिलिकॉन, तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तुम लोग सब जानते हो कि मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है फिजिकल, और नॉन मेटल का क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको रिकैप करने जो देना है उसको तो पढ़ लोगे। चलो अब लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है। yes, sir.